नमस्कार, मैं अरविंद कुमार सिंह, राम ब्रेन बूस्टर स्कूल। एबेकस का प्लूरल एबेकस होता है, जिसे गिनती फ्रेम भी कहा जाता है। यह एक गणना करने का उपकरण है जिसका उपयोग प्राचीन काल से किया जा रहा है। हिंदू अरबी अंक प्रणाली को अपनाने से सदियों पहले इसका उपयोग प्राचीन निकट पूर्व यूरोप, चीन और रूस में किया गया था। एबेकस की सटीक उत्पत्ति अभी तक सामने नहीं आई है। इसमें जंगम मोतियों या इसी की तरह अन्य वस्तुओं की पंक्तियां होती हैं जो एक राड पर फंसी होती हैं। ये अंकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। दो नंबरों में से एक को सेट किया जाता है और बीट्स को एक ऑपरेशन करने के लिए जोड़ तोड़ किया जाता है, जैसे जोड़ घटाओ, गुणा भाग, वर्ग घन। एबेकस में इन सभी गणनाओं को बिना कॉपी पेन के किया जाता है, यानी कि आपका विजुलाइजेशन पावर, इमेजिनेशन पावर भी बढ़ जाता है। इनके बढ़ने के एक परिणाम स्वरूप याद करने की क्षमता भी बढ़ जाती है। अर्थात एबेकस कोर्स करने से बच्चे की मेमोरी में भी वृद्धि हो जाती है। वह अपने याद करने की क्षमता दो गुना, तीन गुना या चार गुना कर लेता है। यहाँ तक कि एबेकस से हमारा ब्रेन भी बैलेंस होता है। राइट ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन दोनों बैलेंस हो जाता है। इसलिए हम एबेकस के माध्यम से मिड ब्रेन एक्टिवेशन भी कर सकते हैं। एबेकस में किनारे किनारे पर लकड़ी का या मेटल का फ्रेम होता है, एक बीच में फ्रेम होता है, बीच में रॉड लगे होते हैं और उसमें कुछ बीट्स होते हैं। तो कुछ बीट्स ऊपर होते हैं और कुछ नीचे होते हैं। ऊपर वाले बीट्स की वैल्यू 5 होती है और नीचे वाले बीट्स की वैल्यू 1 होती है। नीचे वाले बीट्स एक रॉड में 4-4 होते हैं, ऊपर वाले में रॉड में 1 बीट्स होते हैं जिसकी वैल्यू 5 होती है, और नीचे वाले रॉड्स में 4 बीट्स होते हैं जिनकी वैल्यू 1-1 होती है। ऊपर वाले बीट्स और नीचे वाले बीट्स के बीच में एक फ्रेम होता है जिसे आंसर बार के नाम से जानते हैं। जो बीट्स आंसर बार से सटते हैं उन्हीं का ही वैल्यू हम काउंट करते हैं। मॉडर्न एबेकस जिसका हम उपयोग करते हैं, लोगों का कहना है कि यह एक जापानीज टेक्निक है। अतः हम जिस एबेकस को सिखाएंगे उसका फिगर ऊपर आपको दिख रहा है। इस फिगर को से ऐसे करते हैं, ये थंब से, ये इस उंगली से, ठीक है, इस फिंगर से करेंगे, फर्स्ट फिंगर से, क्लियर। थंब के लिए अप और डाउन के लिए, क्लियर, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, क्लियर। तो अब यहाँ पर अप 1 2 3 4 डाउन करना है, इस तरह डाउन कर लेंगे। फिर ये क्या है, डाउन करना है किस फिंगर से होगा, इस फिंगर से, ठीक। अब करना है किस फिंगर से, इस फिंगर से नहीं करेंगे, अब किस फिंगर से करना है, थंब से, ऐसे थंब, क्लियर। अब करना है ऐसे 1 2 3 4, ठीक है। फिर डाउन करना है 1 2 3 4, डाउन हो गया। फिर अब करना है कि डाउन करना है, इसको डाउन करना है तो किससे करेंगे, डाउन करना है किससे करेंगे, इस उंगली से, डाउन हो गया, क्लियर। अब करना है इससे, क्लियर हो गया। एक का हम कैलकुलेशन करेंगे, एक रॉड का, ठीक है, आज एक रॉड का कैलकुलेशन करेंगे, वो भी फास्ट, ठीक है। तो सबसे पहले करते हैं 1 1 प्लस 1 1 प्लस 1 कितना हुआ, 2 2। अब 2 प्लस 5 कितना हो गया, कितना हो गया, 5 6 7 प्लस 2 9 9 9 माइनस 5 4 माइनस 1
थ्री माइनस टू वन प्लस फाइव सिक्स माइनस वन फाइव प्लस थ्री सेवन नहीं एट 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 प्लस टू अब प्लस वन करते हैं पहले प्लस वन नाइन माइनस फाइव फोर माइनस थ्री वन प्लस फाइव सिक्स प्लस टू एट माइनस थ्री फाइव माइनस फाइव जीरो प्लस टू प्लस फाइव सेवन प्लस टू नाइन माइनस थ्री सिक्स माइनस फाइव वन माइनस वन जीरो क्लियर। तो इस तरह एक रॉड का कैलकुलेशन हुआ है। अब नेक्स्ट डे सेकेंड रॉड का कैलकुलेशन होगा। तो सबसे पहले हम इस पर 1 to 100 आज काउंटिंग करवा देते हैं, उसके बाद मैं प्लस माइनस रॉड वाइज करवाएंगे। ठीक है, आज एक रॉड का होगा। ठीक है, पहले कैलकुलेशन करते हैं। देखिए वन वन कहाँ होगा, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन। ठीक है, अब टेन करना है, क्या होगा जल्दी बताओ। सबको नीचे हटा के एक ही वाला, हाँ ये ऊपर होगा। टेन फिर इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन अब इसको नीचे करेंगे फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन। ठीक है, हाँ नाइनटीन क्लियर हो गया। नाइनटीन के बाद अब ट्वेंटी करना है, तो इसको क्या करेंगे, अब देखो अप डाउन, इसको डाउन करना है, ये डाउन हो गया ट्वेंटी ट्वेंटी। ठीक है, ट्वेंटी फिर ट्वेंटी वन करना है, तो क्या करेंगे, ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर, इसको डाउन करेंगे ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स सेवन एट नाइन ट्वेंटी नाइन हो गया। फिर इसके बाद क्या करेंगे, इसको सबको नीचे हटा के, हाँ तो इसको क्या करना है, इससे करना है कि इससे बड़ी वाली होगी, इससे डाउन करना है। ठीक, इसको तो अप करना था। ठीक है, अब हमको करना है ट्वेंटी थर्टी, ये हो गया थर्टी। हाँ थर्टी वन, थर्टी वन किससे होगा, इससे थर्टी वन थर्टी टू थर्टी थ्री थर्टी फोर, अब डाउन करना है इस तरह थर्टी फाइव थर्टी सिक्स थर्टी सेवन थर्टी एट थर्टी नाइन। ठीक है, सबको क्या करना है, क्लियर। अब फिर फोर्टी फोर्टी वन फोर्टी टू फोर्टी थ्री फोर्टी फोर, अब फोर्टी फाइव फोर्टी सिक्स फोर्टी सेवन फोर्टी एट फोर्टी नाइन। अब इसको डाउन कर लेंगे 50। अब 50 के लिए क्या होगा, इसको भी डाउन कर लेंगे और ए वहाँ पर, ये 50 हो गया। हाँ ठीक है, आंसर बार कहाँ है, ठीक है, और अपर बिट्स कहाँ है, अपर बिट्स अपर 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 माने ऊपर, ऊपर वाला बिट्स कहाँ है, हाँ ये अपर बिट्स है। लोअर बिट्स कहाँ है, नीचे वाले बिट्स जो होते हैं लोअर बिट्स होते हैं। अपर बिट्स की वैल्यू क्या होती है, तेज से बोलो, अपर बिट्स की वैल्यू क्या होती है, फाइव। ठीक है, अब यहाँ पर डार्ट्स बने हुए हैं, कितने डार्ट्स बने हुए हैं, यहाँ पर देखो डार्ट्स बने हुए हैं, एक दो तीन चार पाँच, कितने डार्ट्स बने हुए हैं, पाँच। तो अब इसमें बीच वाले में मैथमेटिक्स में हम क्या देखते हैं, मैथमेटिक्स में क्या देखते हैं, डेसिमल नंबर भी होता है, हाँ विदाउट डेसिमल नंबर भी होता है। तो अब यहाँ पर अगर इसको वंस मान लें, वंस दूसरा राट टेंस हंड्रेड फिर थाउजेंड टेन थाउजेंड लाख टेन लाख फिर करोड़ टेन करोड़ फिर बस खत्म हो गया 10 करोड़ तक। अब इसके बाद डेसिमल आ गया, इसके जस्ट बाद डेसिमल आएगा, पहला राट पॉइंट वन। ठीक है, अब यहाँ पर इसे पॉइंट वन पॉइंट टू पॉइंट थ्री पॉइंट फोर, ठीक है पॉइंट फोर, अब पॉइंट फाइव करना है तो इसको नीचे कर देंगे, ये हो गया पॉइंट पॉइंट, इसको नीचे कर देंगे, हाँ पॉइंट फाइव, ये हो गया पॉइंट फाइव। अब पॉइंट सिक्स करना है तो ये हो जाएगा पॉइंट सिक्स पॉइंट सेवन पॉइंट एट पॉइंट नाइन, क्लियर। ऐसे जो है फिर इसको डाउन कर देंगे। अब अगर मान जाओ कि हमें करना है पॉइंट जीरो वन, पॉइंट जीरो वन तो इट्स एक दो, सेकेंड राट को फर्स्ट राट को कुछ नहीं करेंगे, ये जो वंस है वंस के पहले वाला पहले राट पर कुछ नहीं करेंगे, सेकेंड राट पर वन प्लस कर देंगे वन, तो ये हो गया क्या
0.01, 0.02, 0.03, 0.04, ठीक है। अब 0.05 करना है तो क्या करेंगे, 0.05, इस तरह पॉइंट वाले नंबर को करते हैं, ठीक है। आगे ऐसे ही नहीं, सेकंड डिजिट का ही हो गया, थर्ड डिजिट, फोर्थ डिजिट, फाइव डिजिट, सेवन डिजिट, डेसिमल के बाद वाला करेंगे, ठीक है। तो अब हम पहले डिजिट का प्रैक्टिस करते हैं, पहला राड और दूसरा राड। सबसे पहले किस राड का प्रैक्टिस करेंगे, पहले राड का। तो अब बताओ वंस कहाँ है, वंस वाला राड कहाँ है, दिखाओ वंस वाला राड, दिखाओ वंस प्लस वाला राड कहाँ है, ए वाला राड, ठीक है, ये राड वंस राड है। तो वन प्लस वन करो, वन प्लस वन करो, वन प्लस वन कितना होता है, तेज से बोलो, टू। प्लस टू करो, प्लस टू करो, टू राड ऊपर हो गया, कितना हो गया, फोर, कितना हो गया, हाँ। माइनस टू करो, टू डाउन करो, हाँ टू हो गया। अब प्लस फाइव करो, प्लस फाइव, हाँ फाइव को डाउन करो, कितना हो गया, फाइव और टू कितना होगा, सेवन। यहाँ आंसर बार पर देखो, टू नीचे से, फाइव ऊपर से, सेवन हो गया। ऐसे ही प्लस टू करो, फिर से प्लस टू करो, कितना हो गया, नाइन। माइनस फाइव करो, माइनस फाइव, फाइव वाला आप कर दो, कितना बच गया, फोर। इंग्लिश में बोलो ना, फोर। माइनस वन करो, वन बिट्स नीचे डाउन, कितना बचा, थ्री, तीन की थ्री, थ्री। इंग्लिश में बोलो, थ्री, थ्री, ठीक है। प्लस सिक्स करो, प्लस सिक्स, प्लस सिक्स कैसे करोगी, प्लस सिक्स करो, फाइव को डाउन करो, वन को अप करो, फाइव डाउन करो, फाइव डाउन, वन अप, कितना हो गया, नाइन हो गया, नाइन हो गया, ठीक है। फोर माइनस करो, फोर माइनस, अब कितना हो गया, फाइव हो गया, फाइव माइनस करो, अब कितना हो गया, जीरो हो गया, जीरो हो गया। चलो थ्री प्लस करो, थ्री प्लस, थ्री प्लस कितना हो गया, थ्री हो गया। प्लस फाइव करो, माइनस टू करो, प्लस थ्री करो, प्लस थ्री कितना हो गया, नौ, नाइन, कितना हो गया, नाइन, नाइन हो गया। चलो क्लियर द एवाकस, क्लियर द एवाकस, एवाकस को क्लियर करो, ठीक है। तो आप बताओ आप किससे करते हैं, इससे अंगूठे से अप करते हैं, वो अप कर रही हो डाउन कर रही हो, अप किससे करते हैं, हाँ तो अप करके हमको दिखाओ, वन, वन अप करो, और फिर एक और अप करो, वन, फिर एक वन अप करो, फिर वन अप करो, अब सबको बारी बारी डाउन करो, डाउन करने के लिए, हाँ फिर डाउन करो, फिर डाउन करो, फिर डाउन करो, अब फाइव को डाउन करो, किससे कर रही हो, फाइव को डाउन, हाँ फाइव को से डाउन करेंगे। चलो अब करो फाइव को, फाइव को अब कैसे करेंगे, अंगूठे टेस्ट, ठीक है, वेरी गुड, बढ़िया लगा, अच्छा लगा, हाँ। तो फिर प्रैक्टिस करोगी, और प्रैक्टिस करना चाहती हो, बोलो जल्दी, और ज़्यादा करना चाहती हो, हाँ। ठीक है करो, वन प्लस वन फास्ट करो, हाँ कितना हो गया, प्लस टू, प्लस टू करो, चार, फोर हो गया, प्लस फाइव करो, प्लस फाइव, प्लस फाइव, माइनस थ्री, माइनस थ्री करो, माइनस थ्री कितना बचा, सिक्स, प्लस टू करो, कितना हो गया, फोर, हाँ फिर से देखो, फाइव, फाइव, फाइव है, फाइव तो आप ऊपर वाला है, फाइव और थ्री कितना होगा, एट होगा, एट होगा, केवल फाइव बिट्स है, ऊपर वाले की वैल्यू पाँच होती है, नीचे वाले की एक की वैल्यू एक होती है, तो फाइव और थ्री एट हो जाएगा, ठीक है। माइनस थ्री करो, माइनस थ्री कितना बचा, फाइव, फाइव, और प्लस टू करो,
आप बताओ कितना बचा, कितना हो गया? बोलो सेवन प्लस टू करो नाइन। इधर वाला बगल वाला तुमने उठा दियो, गलत हो जाएगा आप कर दोगी तो। अब माइनस फाइव करो, माइनस फाइव है, माइनस फाइव करना था क्यों, उसको डाउन कर दी, उसको अब करो फोर। अब जो था इधर वाला नहीं, हाँ माइनस फाइव करना है तो अब करोगी, फाइव को अब करो, फाइव को अब करो, हाँ कितना बचा फोर, माइनस फोर करो, फोर को डाउन कर दो। डाउन करने के लिए थंब नहीं यूज करते हैं, थंब तो अप करने के लिए यूज करते हैं ना, तो प्रैक्टिस करो ठीक है। तो आज जो है तुम्हें कम से कम 60 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है राड नंबर वन पर। राड नंबर वन से आपको क्या करना है, प्लस, प्लस करने के लिए नीचे वाले को अप करना पड़ेगा और ऊपर वाले को डाउन। ऊपर वाले को डाउन करेंगे तो क्या हो जाएगा, आंसर बार से जो सट जाते हैं उनकी वैल्यू होती है। अगर 5 को सटा देंगे तो 5 हो जाएगी वैल्यू, 1 को सटा देंगे तो 1 हो जाएगी। ऐसे ही प्लेस के आधार पर यदि बगल वाला जो है ऊपर को सटाते हैं तो क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा ठीक है। और सेकंड रॉड को अपने को 10th प्लेस पर जो है एक ऊपर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया? तो इसकी प्रैक्टिस करो, धन्यवाद। ठीक है, 1 + 5 = 6 = 7 कितना होगा, 8। वेरी गुड, 1 + 8 1 + 5 = 6 = 7 = 8 = 9 9 वेरी गुड, 1 + 9 1 + 5 = 6 = 7 = 8 ही हो पाया। इसको डाउन करके इसको अप कर दिए, 10। फिर 2 + 1 2 + 1 = 3 3 वेरी गुड, 2 + 2 2 + 2 = 4 4 वेरी गुड, 2 + 3 2 3 नहीं हो पाएगा तो इसको डाउन करके इसको ऊपर कर देंगे, नीचे कर देंगे, 5 2 + 3 = 5 2 + 4 2 + हाँ तो 5 डाउन करेंगे ठीक है, 4 करना है तो 1 माइनस कर देंगे, क्या करेंगे, 1 माइनस कर देंगे, 1 डाउन करेंगे तो 1 माइनस, डाउन करने पर माइनस होता है, अप करने पर प्लस होता है ठीक है। नीचे वाले में जब डाउन करते हैं तो माइनस होता है और ऊपर वाले को जब डाउन करते हैं आंसर बार से टच कराते हैं तो क्या होता है, प्लस होता है, क्या प्लस होता है, 5 प्लस होता है। इस तरह जब हमारे पास 4 नहीं था तो क्या थे? हमने 5 प्लस कर दिया, 5 को आंसर बार से टच करा दिया, हमें प्लस करना था 4 इसलिए 1 डाउन कर दिया, 1 डाउन करने का मतलब 1 माइनस हो गया ठीक है। वेरी गुड, 2 + 5 2 + 5 + 5 9 + 5 = 7 2 + 5 = 7 2 + 6 2 + 6 हाँ तो पहले 5 को डाउन करेंगे 8 हो जाएगा, 2 + 6 = 8 और 2 + 7 2 + 7 9 2 + 9 2 5 6 7 7 2 + 7 2 + 7 2 + 7 तो 9 होगा ना, इसको डाउन करके इसको क्या हो गया, 9 पहले क्या की हो, फिर से करो, फ्रेश करो उसको, क्लियर करो, क्लियर करने के बाद हाँ 2 2 करो 2 प्लस
प्लस क्या होगा, नाइन करना है, तो नाइन कैसे होगा, टू प्लस फाइव और टू सेवन ही हो जाएगा, एट नाइन, कहाँ नाइन हुआ, नाइन फाइव सिक्स सेवन एट नाइन। अच्छा बिग फ्रेंड स्मॉल फ्रेंड के बारे में जानती हो, बिग फ्रेंड जो बड़े फ्रेंड होते हैं, बिग फ्रेंड स्मॉल फ्रेंड, नहीं मालूम, नहीं मालूम। तो स्मॉल फ्रेंड फाइव होता है और बिग फ्रेंड टेन होता है, टेन, हाँ फाइव को उससे डाउन करेंगे। चलो अब करो फाइव को, फाइव को अब कैसे करेंगे हम, टेटेस, ठीक है, वेरी गुड, बढ़िया लगा, अच्छा लगा, तो फिर प्रैक्टिस करोगी, और प्रैक्टिस करना चाहती हो, बोलो जल्दी, और ज़्यादा करना चाहती हो, ठीक है करो, वन प्लस वन फास्ट करो, हाँ कितना हो गया, प्लस टू, प्लस टू करो, चार, फोर हो गया, प्लस फाइव करो, प्लस फाइव, प्लस फाइव, माइनस थ्री, माइनस थ्री करो, माइनस थ्री, कितना बचा, सिक्स, प्लस टू करो, कितना हो गया, हाँ फिर से देखो, फाइव, फाइव, फाइव है, फाइव तो आप ऊपर वाला है, फाइव और थ्री कितना होगा, एट होगा, एट होगा, केवल फाइव बिट्स है, ऊपर वाले की वैल्यू पाँच होती है, नीचे वाले की एक की वैल्यू एक होती है, तो फाइव और थ्री एट हो जाएगा, ठीक है, माइनस थ्री करो, माइनस थ्री कितना बचा, फाइव, और प्लस टू करो, आप बताओ कितना बचा, कितना हो गया, बताओ, सेवन, प्लस टू करो, इधर वाला बगल वाला तुम्हें उठा दियो, गलत हो जाएगा, आप कर दोगी तो, अब माइनस फाइव करो, माइनस फाइव है, माइनस फाइव करना था, क्यों उसको डाउन कर दी, उसको अब करो फोर, अब जो था इधर वाला नहीं, हाँ माइनस फाइव करना है तो अब करोगी, फाइव को अब करो, फाइव को अब करो, हाँ ये कितना बचा, फोर, माइनस फोर करो, फोर को डाउन कर दो, डाउन करने के लिए थंब नहीं यूज करते हैं, थंब तो अप करने के लिए यूज करते हैं ना, तो प्रैक्टिस करो, ठीक है, तो आज जो है तुम्हें कम से कम 60 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है राड नंबर वन पर, राड नंबर वन से हमको क्या करना है, प्लस, प्लस करने के लिए नीचे वाले को अप करना पड़ेगा और ऊपर वाले को डाउन, ऊपर वाले को डाउन करेंगे तो क्या हो जाएगा, आंसर बार से जो सट जाते हैं उनकी वैल्यू होती है, अगर फाइव को सटा देंगे तो फाइव हो जाएगी वैल्यू, वन को सटा देंगे तो वन हो जाएगी, ऐसे ही प्लेस के आधार पर यदि बगल वाला जो है ऊपर को सटाते हैं तो क्या हो जाएगा, फिफ्टी हो जाएगा, ठीक है, और सेकेंड रॉड को टेंथ प्लेस पर जो है एक ऊपर करेंगे तो क्या हो जाएगा, टेन हो जाएगा, क्लियर, समझ में आ गया, तो इसकी प्रैक्टिस करो, धन्यवाद।